Hello everyone, my name is C. Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechGee. आज गवर्नमेंट ने GTA यानी गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइजरी इशू की है। तो एडवाइजरी के बारे में डिस्कस करने से पहले GTA से रिलेटेड मैं आपको कुछ बैकग्राउंड डेटा देना चाहूंगा। अप टू 18 जुलाई 2022 GTA के पास दो ऑप्शन हुआ करते थे, दैट इज चाहे तो वो रिवर्स चार्ज में 5% में आपको बिल्टी कार्ड देंगे और जो सर्विस रिसीवर है वो उस पर टैक्स पे करके उसका क्रेडिट ले लेगा, या फिर फॉरवर्ड चार्ज में GTA अपना टैक्स पे करेगा और जो सर्विस रिसीवर है नॉर्मल वे में ITC ले लेगा। फ्रॉम 18 जुलाई 2022 एक न्यू सिनेरियो ऐड किया गया जिसमें GTA वाले 5% फॉरवर्ड चार्ज में अपनी बिल्टी काट सकते हैं, मगर जो सर्विस रिसीवर है उसको उसकी ITC नहीं मिलेगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप रिवर्स चार्ज सिनेरियो चूज करते हैं तो वो आपका एक डिफॉल्ट ऑप्शन रहेगा, मगर अगर आप फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इन अनेक्सर बी ऑन और बिफोर 15 मार्च फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। मगर काफी GTA वाले 15 मार्च तक वो डिक्लेरेशन सबमिट नहीं कर पाए, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने एक और नोटिफिकेशन इशू किया बाय नोटिफिकेशन नंबर 5/2023 ऑफ द सेंट्रल टैक्स रेट। इसमें उन्होंने कहा provided also that the option for the financial year 23-24 shall be exercised on or before 31st May 2023, यानी कि जिन लोगों ने इस option को exercise नहीं किया time से वो 31 May 2023 तक अपना declaration दे सकते हैं। मगर एक problem और arise हुई। क्या? कैसी problem arise हुई? Problem ये arise हुई कि अगर कोई GTA business जो कि नया खुलता है After 31st May 2023 या फिर कोई ऐसा GTA है जिसका turnover अब exceed कर रहा है above the permissible limit, जिसकी वजह से उसको registration लेना पड़ रहा है और वो forward charge में जाना चाहता है, तो वो अपना declaration कैसे submit करे, क्योंकि declaration की last date तो 31st May 2023 है और उसके बाद portal बंद हो जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा है देखिए, provided also that a GTA who commences new business or crosses threshold for registration during the financial year may exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it during the financial year by making a declaration in Annexure B before the expiry of 45 days from the date of applying for GST registration। यानी अगर आप GST registration को apply कर रहे हैं तो उसके 45 दिन के अंदर या और 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, या अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया है उसके 30 दिन के अंदर, विच एवर इज लेटर। मगर इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि हमको जो ये डिक्लेरेशन सबमिट करना है वो ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट करना है या फिर फिजिकल मोड में। तो इसी से रिलेटेड इन्होंने एक एडवाइजरी इशू की है जिसको हम आज देखने जा रहे हैं। तो एडवाइजरी इस तरीके से है, एडवाइजरी ऑन फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन इन एनेक्सर बी बाय GTA ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और डेट है 38 मई 2023, जिसमें उन्होंने कहा है द GTA हु कमेंसेस बिजनेस और क्रॉस रजिस्ट्रेशन ऑन और आफ्टर 1st April 2023 एंड विश टू ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर डिक्लेरेशन इन एनेक्सर बी for the financial year 23-24 physically before the concerned jurisdictional officer। yani ki agar aap forward charge mein GTA ka business karna chahte hain after 31st may 2023 to aapko apne concerned jurisdictional authority ko physically apna annexure b form submit karna padega। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी GTA बिजनेस वाले हैं उनको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन थैंक यू एंड स्टे।